हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी क्या योग होते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में सक्सेस के, क्या आर्टिस्ट योग होते हैं, क्या योग होने पर कोई व्यक्ति एक्टर, मॉडल, राइटर या सिंगर बन सकता है। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी। आज उस वीडियो में जो नियम मैंने आपको बताए थे, जो रूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उन्हीं को हम प्रैक्टिकल चार्ट पर अप्लाई करेंगे, सेलिब्रिटीज चार्ट पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहला योग मैं लूंगा एक्टिंग का योग। सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के चार्ट से मैं आपको वो योग समझाऊंगा। यहां आप बोर्ड पर देख सकते हैं जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है वो सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का है, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ है। रूल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य, बुध और शुक्र और चंद्र का योग अगर मंगल के साथ बनता है तो ऐसा व्यक्ति एक्टिंग में, मॉडलिंग फील्ड में सक्सेस पाता है। क्यों और कैसे, उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इस चार्ट में हम देखते हैं क्या ये योग बन रहा है। योग है सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र। ये आर्टिस्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको बताया था कि इन चारों ग्रह के मिलने से आर्टिस्ट कॉम्बिनेशन बनता है और इसमें किस ग्रह का प्रभाव आ रहा है उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति आर्ट के किस फील्ड में जाएगा। अब श्री अमिताभ बच्चन जी का चार्ट आप देखिएगा, यहां पर कन्या राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति है और तुला राशि में चंद्र बैठा है। जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपको कहा है कि नाड़ी ज्योतिष में लगातार भावों से भी योग बनते हैं, तो यहां पर क्योंकि इस योग से दो भाव में चंद्र बैठा है तो हम चंद्र को भी इस योग में मानेंगे। तो ये आर्टिस्ट कॉम्बिनेशन श्री अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में बन गया। अब दूसरी शर्त आती है कि यहाँ पर मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है और मंगल भी यहाँ पर कन्या राशि में इस योग को ज्वाइन कर रहा है और इस योग को मंगल के ज्वाइन करने के कारण ये बन रहा है एक्टिंग का योग। क्यों और कैसे, बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियो में समझाया कि मंगल किस तरह से इस योग को एक्टिंग का या मॉडलिंग का योग बन रहा बताता है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर श्री अमिताभ बच्चन जी का एक्टिंग का योग बना और अमिताभ बच्चन जी के साथ एक और प्लस फैक्टर है, उनकी आवाज़ की दुनिया दीवानी है। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र के योग में अगर बुध बहुत ज़्यादा प्रबल हो, बुध स्वर राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति की वॉइस बहुत अच्छी होती है, वो सिंगिंग, कॉमेडी जैसे फील्ड में जा सकता है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी का बुध उच्च राशि में बैठा है जो कि उनकी वॉइस में वो सम्मोहन दे रहा है, वो क्वालिटी दे रहा है कि दुनिया उनकी आवाज़ की दीवानी है। तो दोनों ही योग यहाँ बनते हैं, एक्टिंग का भी और आवाज़ से, अपनी वॉइस से कुछ करने का भी। आइए दूसरे चार्ट पर चलते हैं, जो चार्ट है सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का, जिनका जन्म हुआ है 28 सितंबर 1929 को। सबसे पहले इस चार्ट में हम देखते हैं क्या इस चार्ट में कलाकार योग बन रहा है। कलाकार योग की शर्तें अभी मैंने आपको बताई है कि सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र लगातार भाव में बैठे या युति में बैठे तो कलाकार योग बनता है। देखते हैं इस चार्ट में क्या कलाकार योग बन रहा है। इस चार्ट में चंद्र बैठा है कर्क राशि में, शुक्र बैठा है सिंह राशि में और बुध और सूर्य बैठे हैं कन्या राशि में। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में लगातार भाव में ग्रहों के बैठने से योग बनता है तो यहाँ पर पूरी तरह से कलाकार योग बन रहा है। अब बात आती है कि ये सिंगर क्यों हैं, किस तरह से इनको सिंगिंग इंडस्ट्री में आने के लिए इतनी अच्छी वॉइस मिली। सिंपल सा रूल है, अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में ही मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति का बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी वॉइस होती है, अपनी आवाज़ से बहुत सारे काम करने की शक्ति होती है। और यहाँ पर भी बुध उच्च राशि में बैठा है जिस वजह से लता मंगेशकर जी को अपनी आवाज़ की वजह से पहचान मिली। नेक्स्ट चार्ट हम लेते हैं राइटिंग योग के ऊपर। आप बोर्ड पर जो चार्ट देख रहे हैं ये नोबल प्राइज विनर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का चार्ट है, जिनकी रचनाएं पूरी दुनिया पढ़ती है और बहुत सम्मान इनको अपनी रचनाओं के कारण मिला। राइटिंग योग के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आर्टिस्ट योग में केतु का प्रभाव आता है तो ऐसे व्यक्ति को राइटिंग की क्षमता प्राप्त होती है, क्योंकि केतु वो ग्रह है जो लेखन की क्षमता देता है।
आइए इस चार्ट में देखते हैं ये योग किस तरह से बन रहा है। थोड़ा ट्रिकी है इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। इस चार्ट में मेन लग्न का ये चार्ट है, लग्न में चंद्रमा बैठा है और दो भाव में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं, यानी कि आर्टिस्ट योग पूरी तरह से बन रहा है। अब आप कहेंगे केतु यहाँ पर किस तरह से इन्वॉल्व है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर बुध और मंगल का राशि परिवर्तन है, बुध बैठा है मेष राशि में और मंगल बैठा है बुध की राशि मिथुन में। और नाड़ी ज्योतिष कहती है जब कोई दो ग्रह परिवर्तन में होते हैं तो उनको दोनों जगह ही माना जाता है, यानी कि बुध का प्रभाव यहां मिथुन राशि में भी होगा और बुध पर केतु का प्रभाव ही किसी व्यक्ति को सूक्ष्म एनालिसिस करने की और राइटिंग की क्षमता देता है। जब तक बुध के ऊपर केतु का प्रभाव नहीं होगा कोई व्यक्ति राइटिंग फील्ड में या राइटिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में सफल ही नहीं होगा। तो इस तरह से यहां पर राइटिंग का योग पूरी तरह से बनता है। योग बहुत सिंपल है, कलाकार योग और उसमें केतु का प्रभाव। होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरह से कलाकार योग में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आने से आर्ट फील्ड चेंज होता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में मंगल का प्रभाव आने से वो एक एक्टर थे। लता मंगेशकर जी के चार्ट में बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने से वो एक सिंगर हैं। और यहाँ पर बुध पर केतु का प्रभाव आने से श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक राइटर हैं। इसी तरह से आने वाली वीडियोस में बहुत सारे सेलिब्रिटीज का चार्ट में लेकर आपको ये योग बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।